हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यस सर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक फ्रेश चैप्टर कॉल्ड एज केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ, जो कि लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, बट हम इसे इन बिटवीन ही ले रहे हैं क्योंकि इसकी इतनी डिमांड है। देखिए आगे, केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ। एवरी डे लाइफ मतलब हमारी रोज की लाइफ, ठीक है, और उसमें कैसे केमिकल्स का रोल प्ले होता है, कैसे रिएक्शंस होते हैं और वो कैसे हमारी हर दिन की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं दिनचर्या को कैसे अफेक्ट करते हैं। नाउ कैन यू रिकॉल, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, कि क्या आपको याद है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट? एक बैलेंस डाइट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? बैलेंस डाइट मतलब आपको क्या खाना चाहिए। खाने के लिए तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट है, जैसे हमारे मुंबई में देर आर वड़ा पाव्स विच आर वेरी फेमस, बट आर दे गुड फॉर योर हेल्थ? विल दे गिव यू सफिशियंट एनर्जी? ओके, क्या आपके लिए वो सही होगा? दूसरा, व्हाई इज फूड कुक्ड? हम खाने को पकाते क्यों हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस इन फिजिकल स्टेट ऑफ अनकुक्ड एंड कुक्ड फूड? अब हम खाने को पकाते क्यों हैं? फिर आपने देखा होगा फ्रूट जो है उसे हमें पकाने की ज़रूरत नहीं होती, हम ऐसे ही खा लेते हैं। अब आप में से कोई ये भी बोल सकता है सर पकाओ मत आगे चलो, तो बेटा पका नहीं रहे हैं, आपको असली रीज़न बता रहे हैं, सुनिए ज़रा ध्यान से। नाउ फूड को कुक करने का सिंपल रीज़न ये होता है कि जो फूड होता है वो पॉलीमर से बना होता है। पॉलीमर मतलब ढेर सारे मोनोमर, मोनोमर मतलब मॉलिक्यूल्स, ढेर सारे मोनोमर आपस में मिलके पॉलीमर बनाते हैं, और पॉलीमर को जनरली हमारा स्टमक पचा नहीं सकता, तो उसे कुक करने के बाद हम उसे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मोनोमर, और मोनोमर को वी कैन ईजिली डाइजेस्ट, ठीक है। व्हाट आर द केमिकल्स दैट वी कम अक्रॉस इन आर एवरीडे लाइफ? ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में उनके अराउंड आते हैं? जैसे कि आपको पता होगा सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल तो वाटर ही है। द मोमेंट यू गेट अप यू स्टार्ट योर डे विद वाटर। ऐसे ढेर सारे हैं, मैं वो सब डिस्कस कर सकता हूँ, बट हमें रादर देन टॉकिंग हियर एंड देयर, इफ़ आई रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द सिलेबस दैट विल बी मच बेटर। सो जस्ट कंटिन्यू। The life, the atmosphere, the earth and the universe all have evolved over billions of years to the present state. Evolved मतलब evolution हुआ है, समय के साथ चीज़ों का चेंज होना, उसे ही हम कहते हैं evolution. Evolution एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऐसा माना जाता है कि डेवलपमेंट हुआ है, किसका? हर एक चीज़ का। और किसके कंपेयर में? जी हाँ, पहले के कंपेयर में। जैसे आपने देखा होगा ह्यूमंस का भी डेवलप हुआ, पहले माना जाता था कि हम मंकी की तरह दिखते थे, अब देख रहे हैं चेंज हो गया। द इवोल्यूशन कंटिन्यूज प्रोग्रेस एंड अकम्पनाइड बाय अ वेराइटी ऑफ केमिकल चेंजेस। जब भी इवोल्यूशन होता है बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, नेचुरल फेनोमेना जो नेचर करवाती है, ठीक है, सच एज विदरिंग। विदरिंग मतलब जैसे पहाड़ है उसका टूट टूट कर सॉइल में कन्वर्ट होना। लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब बिजली का चमकना, ठीक है, बिजली का चमकना। और नेक्स्ट आता है इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज। इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज मतलब आपने देखा होगा धरती के अंदर से मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा जिसे हम कहते हैं लावा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, लावा। फोटोसिंथेसिस यू ऑल नो दैट इट हैपेंस इन दी प्लांट, प्लांट इसे करते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना, फर्मेंटेशन, रिलीज ऑफ फ्रेगनेंस बाय ब्लूमिंग फ्लावर्स। फर्मेंटेशन आप जानते हैं, फर्मेंट होना। अब फर्मेंटेशन की हिंदी तो नहीं मेरे को पता, बट विच स्पेसिफिक वर्ड आई कैन यूज़ फॉर फर्मेंटेशन, फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। फर्मेंटेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई सब्सटेंस होता है उसे माइक्रोब्स तोड़ के छोटे छोटे सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ब्रेकिंग डाउन, और इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो सिंपली व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन? ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ बिग सब्सटेंस इनटू अ स्मॉलर वन बाय माइक्रोब सच एज ईस्ट, बैक्टीरिया, ऑल दैट, ये सब, ठीक है, आगे देखते हैं। एंड मेनी अदर्स। फ्रेगनेंस मतलब फूल से महकना, फूल की महक आना, फूल से भी केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं जिसका हमको फ्रेगनेंस आता है। एंड मेनी अदर
many others take around us involved intricate chemistry का मतलब है very complicated, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही भारी भरकम या detailed chemistry होता है उसमें। अब फूल से जैसे ही स्मेल आ रहा है या फ्रेगनेंस आ रहा है, तो उसके पीछे कौन से ऐसे केमिकल सब्सटेंस है, ऐसे तो आ नहीं रहा होगा, कोई तो केमिकल सब्सटेंस होगा, इसीलिए बोला गया है इंट्रिकेट केमिस्ट्री, मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ इन्वॉल्व्ड इन वैरायटी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, दोज अकर विद इन एंड अक्रॉस आर बॉडी। केमिस्ट्री उस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व है जो हमारे बॉडी के अंदर होती है और हमारे सराउंडिंग में भी होती है। सराउंडिंग मतलब जैसे जैसे आप सनलाइट को एक्सपोज होते हैं तो आपके स्किन में स्टेरॉल होता है, वो स्टेरॉल क्या करता है, जी हाँ, वो सनलाइट के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी। अब अंदर का प्रोसेस क्या है, आप फूड खाते हैं तो वो कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ह्यूमन सिविलाइजेशन इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड डिस्कवर्ड यूजेज ऑफ वेरियस प्लांट एनिमल मिनरल प्रोडक्ट्स फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ह्यूमन लाइफ क्या है, ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या है, जी हाँ, समय के साथ ह्यूमन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ह्यूमन का सामाजिक और कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, और जो मॉडर्न टाइम में आप देख रहे हैं सिविलाइजेशन अपने पीक पे है, मतलब ह्यूमन का सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो जैसे जैसे ये हो रहा था, ह्यूमन ने प्लांट को कैसे यूज़ करते हैं, एनिमल को कैसे यूज़ करते हैं, और बहुत सारे मिनरल को कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में जाना। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि ये चैप्टर काफ़ी बोरिंग है, कुछ टीचर भी इसे ऐसा मान लेते हैं कि इसका कोई बोलते हैं ना यूज़ नहीं है। देखिए, जब हम केमिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ते हैं, उसका मेन पर्पस होता है ह्यूमन लाइफ के लिए। हम केमिस्ट्री में ड्रग डिज़ाइन करते हैं, कोई फूड प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये सब किसके लिए, जी हाँ, इस प्लैनेट के सबसे इंटेलिजेंट एनिमल के लिए, सोशल एनिमल के लिए, एंड दे आर कॉल्ड एज ह्यूमंस। तो फिर क्यों नहीं इसे पढ़ा जाए, ताकि हमें पता होना चाहिए, रादर देन एकदम ऐसे डेफ्थ वाला केमिस्ट्री के बदले। हमें ये भी इम्पॉर्टेंट है, और एवरीडे लाइफ वाला केमिस्ट्री तो मेरे ख्याल से सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए पढ़ाते हैं, कि नहीं तो बहुत सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, अरे सर चूरन पानी मत करो। ओके बच्चों, विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस, अब यहाँ पर एक शब्द आ गया है एडवेंट, ठीक है। एडवेंट मतलब किसी का अराइवल ऑफ नोटेबल थिंग, एडवेंट का मतलब ये होता है, ओके। जैसे जैसे मॉडर्न साइंस का अराइवल हुआ, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल इन नेचुरल मटेरियल। जो नेचुरल मटेरियल होता है वो किससे बना होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये सब साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज़ लेड टू एडवांसमेंट इन साइंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को सिंथेसाइज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं लैब में, उसने साइंस का लेवल ही बढ़ा दिया। सिंथेसिस ऑफ नेचुरल मॉलिक्यूल्स एंड न्यू मॉलिक्यूल्स विद स्ट्रक्चर वेरिएशन, रिवोल्यूशनाइज्ड मटीरियल आर यूज इन ऑल वॉक ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो ये केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के वजह से बहुत सारे ऐसे नेचुरल केमिकल्स थे जो नेचर ने बनाए थे, बट उसे हमने लैब में सिंथेसाइज कर लिया, और इतना ही नहीं बल्कि उसमें कुछ चेंजेस भी किए जो कि ह्यूमन लाइफ में काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुए। दिस इन्फ्लुएंस इज सीन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोदिंग, शेल्टर एंड बियॉन्ड। आप केमिस्ट्री के इन्हांसमेंट को ह्यूमन के हर एक पार्ट ऑफ लाइफ में देख सकते हैं, मतलब जैसे कि जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर प्यारे बच्चों सोचिए, अगर साइंस नहीं होता, केमिस्ट्री नहीं होती, ये सारे केमिकल रिएक्शन करके हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बना पाते, तो वही पहले वाला जीवन होता। आपको पता है, एक बड़ा सा पत्ता आगे और एक बड़ा सा पत्ता पीछे, एंड जस्ट इमेजिन अगर ज़ोर से तूफान आया तो। आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी कंसिडर सम एस्पेक्ट्स ऑफ फूड इंडस्ट्री, हम पहले खाने से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है उसे पढ़ेंगे, फूड इंडस्ट्री कैसे फूड केमिस्ट्री को यूज़ करती है वो देखेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो कि दवाएं बनाने के लिए यूज़ होती है, केमिस्ट्री ऑफ क्लिनजिंग मटेरियल जैसे कि सोप एंड डिटर्जेंट आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, विथ रेफरेंस टू कंपाउंड्स हैविंग सिंपल स्ट्रक्चरल फीचर्स, ठीक है।
हम कुछ ऐसे कंपाउंड लेंगे जिनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी सिंपल होंगे, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड भी हम देखेंगे, ठीक है। नाउ बेसिक्स ऑफ फूड इंडस्ट्री। फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, दीज आर यूज्ड बाय द बॉडी एज सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी हम खाना खाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मतलब इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसेंशियल सब्सटेंस ऐसे मिलते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत सही है, और हमें अपनी डे टू डे लाइफ करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? जी हाँ, फूड न्यूट्रिएंट्स से। आगे देखिए, दी न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ, मेंटेन एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू। हमारी बॉडी का ग्रोथ, जैसे जब हम स्कूल्स में थे हम थोड़े से वीक हुआ करते थे, फिर जैसे ही हम आए हम टीन में, और टीन के बाद वीक और क्रॉस आर टीन, देन वी एंटर इन टू एडल्टहुड। यू कैन सी, यू कैन चेक योर एनर्जी लेवल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और जो हम खाना खाते हैं वो हमारे जो टिश्यूज़ डैमेज होती हैं उसे भी रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स कंप्राइज इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। इन सब के लिए मैं एक ही शब्द लूँगा, इसे कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे आप बायो में, केमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जनरली कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हम डिटेल में एक चैप्टर ही है, बायो मॉलिक्यूल्स, उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए तो आप मान लीजिए कि ये सारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं। बायो मतलब क्या होता है? ये सारे मॉलिक्यूल लाइफलेस होते हैं, इनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती, लेकिन ये ऐसे कंबाइन होते हैं, ये ऐसे कंबाइन होते हैं कि ये लाइफ प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे देखिए, हमारी बॉडी में हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, लिपिड कंज्यूम करते हैं, लेकिन इनमें कोई लाइफ नहीं होती, बट ये अंदर जाके कुछ ऐसे केमिकली कंबाइन हो जाते हैं कि ये लाइफ को प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, और भी दिए हैं, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स, मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी मतलब मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट, एंड पल्सेस जो कि दाल होती है, प्रोवाइड्स प्रोटीन एंड विटामिन्स। प्रोटीन जो होता है इसके अंदर अमाइड लिंकेज होता है, ओके, वो सब आप पढ़ोगे धीरे धीरे। लिपिड्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैट्स आर प्रोवाइडेड बाय वेजिटेबल ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट एंड एनिमल फैट। एनिमल फैट जो हम लोग मीट खाते हैं उसमें, ठीक है। हम लोग मतलब द पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन। मोस्ट न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब जाइंट मॉलिक्यूल, जाइंट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीमेरिक मटेरियल। पॉलीमेरिक मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके इन्हें बनाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ फूड डाइजेशन द पॉलीमेरिक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ब्रेक डाउन इंटू मोनोमर्स। जब फूड का डाइजेशन होता है तब ये जो बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल है ये टूट जाते हैं, और किस में आ जाते हैं? जी हाँ, अपने छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे जैसे कि जो प्रोटीन होता है वो टूट के क्या बना देता है? जी हाँ, अल्फ़ा अमाइनो एसिड। अब क्वेश्चन आता है, ये अल्फ़ा क्या है, अमाइनो क्या है, एसिड क्या है? तो ऐसे देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फ़ा पोजिशन पे अमाइनो ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए ये H3C C डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अल्फ़ा कार्बन है। अब इसी को, एक हाइड्रोजन को निकाल के हम यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा देंगे। तो ऐसे ही अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स भी होता है, बीटा अमाइनो एसिड्स भी होता है जो नेक्स्ट कार्बन पे होगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, बट जो इसेंशियल है हमारे लिए वो है अल्फ़ा अमाइनो एसिड, जिसे आप बायो में पढ़ेंगे, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट जाता है ग्लूकोज में रिस्पेक्टिवली, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। और ये सब कौन करवा पाता है? एंजाइम्स। जी हाँ, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या भी होते हैं? एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं जो इन सबको तोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। नाउ कुकिंग मेक्स फूड ईजी टू डाइजेस्ट। पकाने की वजह से खाने को ईजिली हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग कुकिंग प्रोसेस, जब हम कुकिंग प्रोसेस करते हैं, हाई पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आर हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर पॉलीमर। जो ये प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, ये टूट कर हाइड्रोलाइज मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसे हमारी बॉडी ईजिली डाइजेस्ट कर सकती है। दी अनकुक्ड फूड मिक्सचर डिस्क्राइब्ड एज ए होमोहेट्रोजीनियस सस्पेंशन। जो अनकुक्ड फूड मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस सस्पेंशन होता है। हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें
जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हर जगह अलग अलग होते हैं, और सस्पेंशन मतलब जो पार्टिकल साइज होती है वो यू कैन से 100 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़ी होती है, 100 to या फिर 1000 से बड़ी आप ऐसा कह सकते हैं। और वो कौन से नेचर के होते हैं? जी हाँ, कोलोडियल नेचर के। ठीक है, जनरली मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जब वो रहते हैं, जब उन्हें कुक नहीं किया जाता, जब उन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता, तो हमारी बॉडी में वो एसिमिलेट नहीं हो सकते, मतलब हमारी बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो होता क्या है, हाइड्रोलिसिस उसे तोड़ देता है और उसकी साइज़ जो है वो कोलोइडियल रेंज में लेके आता है, और कोलोइडियल रेंज वाले जो सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी इजीली एसिमिलेट कर जाती है। एसिमिलेट मतलब एब्जॉर्ब कर जाती है, ले पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है, बिकम अ कोलोडियल मैटर ऑन कुकिंग बिकॉज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द रिजल्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, कुक्ड फूड इज ईजियर टू डाइजेस्ट देन अनकुक्ड फूड, जो कि मैंने अब भी आपको बताया। ठीक है, छोटे साइज के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। वाई इज फूड स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्यों खाने को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने की ज़रूरत है? वॉट मेथड्स आर यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? ठीक है, हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब हम उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं? प्रिजर्व मतलब वी कैन यूज़ इट लेटर ऑन। ठीक है, फॉर अ फ्यूचर, यूज़ फॉर फ्यूचर। वट इज़ मीन बाय क्वालिटी ऑफ द फूड, फूड क्वालिटी का क्या मतलब होता है? जी हाँ, फूड क्वालिटी मतलब जैसे कि आप सपोज़ एक स्मॉल पोर्शन ऑफ मीट खा लेते हैं और फिर ढेर सारा राइस खाते हैं, तो आप देखेंगे कि मीट का स्मॉल क्वांटिटी ज़्यादा एनर्जी दे देता है किसके कंपेयर में? जी हाँ, लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस और ये सब, क्योंकि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब जो एनर्जी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा है किसके कंपेयर में? जी हाँ, राइस और पल्सेस ये वो। तो वही सब है, आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमें चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। क्वालिटी ऑफ फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री, और यू कैन से फूड केमिस्ट्री। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में ही फूड केमिस्ट्री यूज होती है। फूड की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फूड क्वालिटी इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर सच एज फ्लेवर, फ्लेवर मतलब उसका टेस्ट कैसा है, स्मेल इन द सेंस वो महकता कैसा है, उसका ओडर कैसा है, टेक्सचर मतलब दिखने में कैसा है। जैसे कि आप देखते हैं एप्पल की अलग अलग क्वालिटी होती है, कुछ 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 एप्पल एकदम ऐसे ब्लड रेड कलर के दिखते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, उनकी जो जो स्कैल्प होती है, जो स्किन होती है, कलर एंड माइक्रोबियल स्पॉइलेज मतलब उनकी लाइफ कितनी है, क्या वो माइक्रोब उसके ऊपर जल्दी अटैक कर देते हैं? जैसे हम मिल्क प्रोडक्ट और ये आपने देखा होगा, उसको हम लोग लिमिटेड टाइम में यूज़ करते हैं। क्यों लिमिटेड टाइम में यूज़ करते हैं? वरना उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाती है और फूड स्पॉइल हो जाता है। एंजाइम्स आर प्रेजेंट नेचुरली इन ऑल फूड, जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। अभी आगे देखिए, क्वालिटी ऑफ फूड चेंजेस ऑन शेल्विंग मोस्टली ड्यू टू एंजाइम एक्टिविटी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, शेल्विंग का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे ही फूड को आपने कहीं पे रख दिया, शेल्विंग मतलब कीपिंग ऑन शेल्फ, कीपिंग ऑन शेल्फ, शेल्फ मतलब कहीं सी प्लेस पे आपने रख दिया, तो वो मेनली क्यों डिग्रेड हो जाती है या कुछ भी चेंज की हो जाती है? वो उसके अंदर एंजाइम एक्शन होता है, ऐसा बोला जाता है कि उसके अंदर जो एंजाइम है उनकी वजह से उसमें चेंजेस आया है। केमिकल रिएक्शन विद दी एनवायरमेंट एंड दी एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसके अंदर एंजाइम एक्शन हुआ है या फिर उस फूड प्रोडक्ट और एनवायरमेंट के बीच में, एनवायरमेंट मतलब जो गैसेज हैं सच ऑक्सीजन जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उनसे रिएक्शन हो जाता है, या फिर सराउंडिंग एटमोसफियर में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो भी रिएक्ट कर जाते हैं हवा में, जैसे बैक्टीरिया कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं फूड से, और फूड क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है। सम ऑफ दीज अफेक्ट्स आर बेनिफिशियल, कुछ माइक्रोबियल रिएक्शन बेनिफिशियल है और कुछ तो नॉन बेनिफिशियल या फिर फूड क्वालिटी को डिग्रेड कर देती है, जैसे कि सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड मतलब जो दूध है उसका दही में कन्वर्ट होना, रेजिंग फ्लोर डव टू मेक ब्रेड, फोर फ्लोर डव मतलब जो आटा होता है गीला आटा, फ्लोर मतलब आटा और डग मतलब उसमें हम कुछ केमिकल सब्सटेंस बोल रहा हूँ, मतलब जो भी एडिटिव चीज़ें आपको जो डालनी है, सॉल्ट शुगर वो सब जब डाल के उसे मिक्स कर देते हो, बेसिकली आटा बना देते हो ब्रेड बनाने के लिए,
ओके इसमें भी माइक्रोबियल एक्शन होता है और ये सारे क्या हैं, बेनिफिशियल हैं। मोस्ट चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंटरैक्शन विद द इन्वायरमेंट हाउएवर एडवर्सली अफेक्ट द फूड क्वालिटी। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जब भी माइक्रोब्स और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन हो जाता है हमारे फूड प्रोडक्ट से, तो वो एडवर्स इफेक्ट होते हैं कंपेयर टू लाइक यू नो बेनिफिशियल इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा है। आगे देखिए, हाउ आर द केमिकल रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ विथ इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड ड्यूरिंग स्टोरेज। जब हम फूड का स्टोरेज करते हैं तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि जो हमारा फूड प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट से रिएक्ट ना हो, मतलब जो गैसेज हैं माइक्रोब्स हैं उनसे रिएक्ट ना हो। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, प्राइमरली द ऑक्सीजन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑन स्टोर्ड फूड। मतलब हवा में जो ऑक्सीजन है या फिर जो माइक्रोब है वही हमारे फूड को, जो स्टोर फूड है उसको ख़राब करते हैं। मतलब अगर हम अपने फूड को इन्हें एक्सपोज ना होने दें, मतलब अगर फूड कांटेक्ट में ना आए एटमॉस्फेयर के और माइक्रोब के, तो उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए द एक्सपोजर ऑफ स्टोर्ड फूड टू एटमॉस्फेयर इज़ मिनिमाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन एयर टाइट कंटेनर। कैसे हम उसे कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख के। एयर टाइट कंटेनर मतलब एक ऐसा कंटेनर जिसमें हवा ना आ पाए, और हवा नहीं आएगी तो ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट नहीं होगा और ना ही माइक्रोब से। इवैक्यूएटिंग और फिलिंग द कंटेनर विथ नाइट्रोजन गैस, या तो आप कंटेनर को पूरा इवैक्यूएट कर दो, इवैक्यूएट मतलब उसमें जो भी गैस है उसे पूरा निकाल दो और फिर उसके अंदर नाइट्रोजन भर दो। अब नाइट्रोजन भरने से क्या होता है, जी हाँ नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस है, नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस है जो कि हमारे फूड क्वालिटी को डिग्रेड नहीं होने देगी। आपने देखा होगा, आपने वेफर्स और ये लहर वहर खाते हो उसके अंदर आप देखते हो जो टेट्रा पैक्स होते हैं जो प्लास्टिक में उनको पैक किया जाता है उसमें गैस भरी होती है, वो गैस कुछ और नहीं नाइट्रोजन होती है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज विथ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को भी कम कर सकते हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्ट को हम फ्रीज़र में रख दें तो फ्रीज़र में होता क्या है, टेम्परेचर कम होता है और उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत कम होती है। द रेफ्रिजरेशन इज़ यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ विद एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ जो रिएक्शन है उसको स्लो डाउन या फिर आप कह सकते हैं कि रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि फ्रीजर में टेम्परेचर लो होता है। द रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ विथ एनवायरनमेंट आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। मतलब जो फूड प्रोडक्ट है उनका जो रिएक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ उसको तेज करने में जो मेन रोल प्ले करता है वो एंजाइम करता है। ठीक है, और अगर आपने फूड को बॉईल कर दिया तो जो एंजाइम होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। डीनेचर्ड मतलब उनकी जो वर्किंग एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर जिससे हम फूड के साथ उनका रिएक्शन रोक देते हैं। अब ऐसा क्या होता है बॉईल करने पे जो एंजाइम है उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। क्या जाते हैं, जी हाँ उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, या फिर आप ऐसे कहते हैं कि वो कोएगुलेट हो जाते हैं। अब ये काफ़ी टेक्निकल शब्द मैंने यूज़ कर दिया जो कि आपको मिलेगा एड्सॉर्प्शन एंड कोलोइड चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड प्रोसेसिंग मेथड एम एट प्रिजर्वेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल चेंजेस एंड अटेम्प्ट अबाउट डिज़ायरेबल चेंजेस इन फूड। मतलब ये फूड प्रिजर्वेशन और जो फूड प्रोसेसिंग करते हैं ये हम क्यों करते हैं, ताकि फूड के अंदर जो अनडिज़ायरेबल चेंजेस है, मतलब हम जैसे जैसे कि फूड को एक्सपोज कर दिया तो वो ख़राब हो जाता है, तो वो तो डिज़ायरेबल नहीं था, मतलब हम वैसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो उसे रोकने के लिए, और फिर कुछ डिज़ायरेबल चेंज करने के लिए भी हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे कि कर्ड बनाने के लिए मिल्क से हम पहले मिल्क को गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, और जैसे ही वो ठंडा हो जाता है थोड़ा अमाउंट उसमें कर्ड डाल के या कंटेनर में पहले ही कर्ड को स्प्रेड कर देते हैं थोड़ा अमाउंट, और फिर उसमें मिल्क डाल देते हैं कोल्ड मिल्क। क्यों, क्योंकि जो कर्ड्स है माइक्रोब अंदर चले जाएंगे और फिर वो पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे जो कि बेनिफिशियल माइक्रोब होते हैं। दी फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट सम एस्पेक्ट ऑफ फूड क्वालिटी एंड दी अंडरलाइंग केमिस्ट्री। ये कुछ नीचे चीज़ें दी गई होंगी है नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं वो फूड क्वालिटी के बारे में बताती हैं और उनके अंदर कौन सी केमिस्ट्री चलती है। ठीक है,
जैसे ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट एंड वेजिटेबल, आपने देखा होगा जब आप सब्जियों को और फलों को आप काट देते हैं तो ब्राउन हो जाता है। एक चीज़ तो आप सबने ऑब्जर्व की होगी, जब हम एप्पल को कट करके रख देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो ब्राउन हो जाता है, लाइट ब्राउन कलर। अब ऐसा क्यों होता है, वही हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, व्हेन फ्रूट सच एज बनाना, एप्पल और वेजिटेबल्स सच एज पोटैटो, बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड मतलब होता है लौकी, आपने देखा होगा ऐसे शेप का होता है लौकी ऐसे, ठीक है, ग्रीन कलर का आपने देखा होगा बॉटल गार्ड। आर पील्ड, पील्ड मतलब उनके जो ये छिलके होते हैं इसको जब हम निकाल देते हैं। एंड स्लाइस मतलब जब कट कर देते हैं थोड़ी देर के बाद या फिर तुरंत ही वो ब्राउन हो जाते हैं। ओके, कटिंग एक्शन डैमेज द सेल रिजल्टिंग इनटू रिलीज ऑफ केमिकल। जैसे ही आप उसे कट करते हैं सेल जो हो जाती है, सेल जो हो जाती है वो डैमेज हो जाती है, और उसमें से क्या रिलीज हो जाता है, जी हाँ, केमिकल्स। विद द पीएच प्रिवेलिंग इन फ्रूट वेजिटेबल द पॉलीफिनॉल्स आर रिलीज्ड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पीएच जो है वो फ्री पीएच, जैसे कि आपको पता ही होगा कॉन्सेंट्रेशन या फिर पोटेंशियल ऑफ एच प्लस आयन, मतलब उसके अंदर उसका पीएच क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर पीएच 7 से कम है तो एसिडिक है, पीएच 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, पीएच 7 है तो न्यूट्रल है। तो वैसे ही तो उनका सब उस समय पे एक पीएच होता है, प्रिवेलिंग मतलब एट दैट टाइम, ठीक है, उस समय जो पीएच होता है उसकी वजह से होता क्या है, जो पॉलीफिनाइल, अब ये पॉलीफिनॉल कहाँ से रिलीज होते हैं, पॉलीफिनॉल वो फ्रूट से ही रिलीज़ होते हैं, और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसके प्रेजेंस में, जी हाँ, जो हवा में ऑक्सीजन हो जाती है, और वो करवा देते हैं एंजाइम एक्शन। एंजाइम कहाँ प्रोड्यू एंजाइम कहाँ होते हैं, जी ऑलरेडी फ्रूट में होते हैं या फूड प्रोडक्ट में हमारे होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, जी हाँ, क्यूनोन। ये एक टाइप का केमिकल कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो आगे दिया होगा। तो होता क्या है, जैसे ही फूड प्रोडक्ट को हम कट करते हैं उसमें उसमें एयर का रिएक्शन हो जाता है, और जिसके वजह से जो एंजाइम है वो क्यूनोन को प्रोड्यूस कर देते हैं, इन शॉर्ट। अभी आगे देखिए, तो ये देखिए, ये हो गया पॉलीफिनॉल और इसका हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया क्यूनोन, ठीक है, यही क्यूनोन है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड पैरा पोजिशन पे भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेटा पे भी हो सकता है, जैसे इसे हम ऑर्थो कहेंगे, इसे मेटा कहेंगे और इसे पैरा कहेंगे, ठीक है, वो मैंने इसके रिस्पेक्ट में बताया। अब इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो हो सकता है, ये मेटा हो सकता है, ये पैरा हो सकता है, आप डिपेंड करते हैं कि इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्यूनोन्स अंडरगो फर्दर रिएक्शन इंक्लूडिंग पॉलीमराइजेशन गिविंग ब्राउन कलर्ड प्रोडक्ट नेम्ड एज टैनिस। ये जो क्यूनियन होते हैं ये पॉलीमराइजेशन में चले जाते हैं, ये एक टाइप की रिएक्शन है जिसमें वो बार बार कंबाइन होके एक लॉन्ग चेन कंपाउंड दे देते हैं, ये आपस में ही कंबाइन होके एक लॉन्ग चेन कंपाउंड दे देंगे जिसे हम टैनिन कहते हैं। ओके, और वो जो ब्राउन कलर था वो इसी टैनिन की वजह से होता है, ठीक है। दिस ब्राउनिंग रिएक्शन कैन बी स्लो डाउन। ओके, जो ब्राउन कलर कंपाउंड है वही टैनिन है, और ये ब्राउन होने की प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जी हाँ, SO2, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को रिड्यूस कर देता है, मतलब वो टैनिन को क्या कर देगा, रिड्यूस, और उसकी एक्टिविटी मतलब ब्राउन कलर प्रोड्यूस होने से रोक देगा, ठीक है, मतलब बेसिकली फूड में वो टैनिन को प्रोड्यूस होने ही नहीं देगा, ये जो आप ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया देख रहे हैं इसे वो नहीं होने देगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पीएच को चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग एडिबल एसिड। एडिबल एसिड मतलब जो खाने वाले एसिड होते हैं, जैसे कि लेमन जूस जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, या फिर विनेगर, विनेगर मतलब एसिटिक एसिड जिसे हम सिरका कहते हैं, आप इसे भी ऐड कर सकते हैं, और इसकी वजह से होगा क्या, जी हाँ, ये ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है ये रुक जाएगी। चलिए आगे का कंसेप्ट देख लेते हैं, रैंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट। अब ये रैंसिडिटी मतलब क्या होता है, रैंसिड शब्द का मतलब है सड़ना, सड़ना मतलब बेसिकली उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाना, इसमें माइक्रोब अपनी एक्टिविटी करते हैं, मतलब अपना मेटाबॉलिज्म करते हैं और फिर कुछ बाय प्रोडक्ट अपना रिलीज करते हैं जो कि काफ़ी फिल्थी ओडर या फिर बैड स्मेलिंग होता है। तो हम कहते हैं कि जो ऑयल है या फिर फैट है वो रैंसिड हो गया है। देखिए यहाँ पे
On keeping for a long time, oil and fat develop an unpleasant or rancid smell. बहुत समय तक ऑयल या फैट को ऐसे ओपन रखेंगे तो उनका जो स्मेल होता है, जो ओडर होता है, वो काफ़ी गंदा होता है और जो उसका स्वाद होता है वो भी ठीक नहीं होता। तो जो फैट होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राई एस्टर ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो ये ट्राई एस्टर है, ट्राई एस्टर मतलब ये देखिए, ये एस्टरिक ग्रुप है, इसे हम एस्टरिक ग्रुप बोलते हैं, COOO, ठीक है। और ये क्या होता है, ऐसे तीन ग्रुप रहेंगे तो उसे कहेंगे ट्राई एस्टर, और फैटी एसिड होता है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ऐसे 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 कार्बन की बड़ी सी चेन और यहाँ पे होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे, तो उसे हम कहेंगे फैट। और यहाँ पे देखिए एन ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल है 1, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल। सबका स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है। वन कॉज ऑफ रैंसिडिटी इज रिलीज ऑफ फैटी एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट ब्रॉट अबाउट बाय वाटर प्रेजेंट इन फूड। मेन जो कारण है रैंसिडिटी का वो ये है कि जो फैटी एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं, जब फैट का या फिर ऑयल का रैंसिडिटी होता है बेसिकली, उस टाइम पे होता क्या है कि जो पानी प्रेजेंट होता है किसके अंदर, फूड के अंदर, ओके उससे होता क्या है कि फैट का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और फैट का हाइड्रोलिसिस होने की वजह से, फैट का हाइड्रोलिसिस होने की वजह से फैटी एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं और उसी से रैंसिडिटी आती है, ठीक है। और एक्चुअल बहुत सारे केस में तो ऐसा भी होता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाती है उनके अंदर, और आपने देखा होगा जहाँ पे भी थोड़ा बहुत वाटर रहता है या फिर हवा में भी मॉइस्चर होती है तो वहाँ पे माइक्रोब्स एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ग्रेन्स को जनरली ड्राई किया जाता है, किसमें, जी हाँ सनलाइट में, ताकि वाटर कंटेंट ख़त्म हो जाए और माइक्रोबियल एक्टिविटी मिनिमम हो जाए। तो ये देखिए ट्राइग्लिसराइड्स, जिसे हम ट्राइएस्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें तीन तीन एस्टरिक ग्रुप हैं, ये देखिए, और उसका क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो वाटर है उसकी खुद की भी ब्रेकिंग होती है और वो सामने वाले को भी तोड़ देता है। तो ये देखिए ये हो गया ग्लिसरॉल। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये रिएक्शन कैसे होता है। तो यहाँ से हो जाती है इसकी ब्रेकिंग, यहाँ से हो जाती है इसकी ब्रेकिंग, और यहाँ पर आपको आ जाएगा, ये आ गया, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया H। अभी आपको तीन H2O ऐसे जोड़ देने हैं, तो देखिए OH 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 सब में जुड़ गया, ये देखिए, तो ये बन गया ट्राइग्लिसरॉल। और यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, जी हाँ H, तो ये देखिए ये आ गया, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जी हाँ फ्री फैटी एसिड। द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स अकर रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इज़ एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। जो हाइड्रोलिसिस होता है फैट का वो किसी किसी माइक्रोब के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और जो एंजाइम होते हैं वो इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को कैटलाइज कर देते हैं, मतलब इस प्रक्रिया को फास्ट कर देते हैं। रैंसिडिटी ऑफ मिल्क एंड बटर इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ 4, 6 and 8 कार्बन फैटी एसिड। जो हमारा मिल्क और जो बटर है वो मेनली ख़राब क्यों होता है, क्योंकि उसमें फैटी एसिड रिलीज़ होता है जिसमें 4, 6 या फिर 8 कार्बन होते हैं। यहाँ पे नाम दिया है ब्यूटेनोइक, हेक्सेनोइक एंड ऑक्टेनोइक एसिड, और इनमें जो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होता है वो यही होता है जो आपने पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ऑन हाइड्रोलिसिस चॉकलेट डेवलप ऑयली और फैटी फ्लेवर। जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो जो चॉकलेट होते हैं जिनका स्वीट टेस्ट होता है उनका फैटी ओडर आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें पाल्मिटिक या स्टेरिक या फिर ओलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है हाइड्रोलिसिस की वजह से। सर ये पाल्मिटिक, स्टेरिक एंड ओलिक एसिड क्या होता है, जी हाँ ये भी फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। लॉरिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ सोपी फ्लेवर टू कोकोनट ऑयल, ठीक है। अगर लॉरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस हो गया जो कि कोकोनट ऑयल में मतलब होता है, वो सोपी फ्लेवर देने लगेगा। जो कोकोनट ऑयल है उसका कौन सा फ्लेवर आने लगेगा, सोपी, सोपी मतलब सोप जैसा। यहाँ पे देखिए अभी दिया है द सेकेंड कॉज ऑफ रैंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट इज ऑक्सीडेशन। जो दूसरा कारण है कि ऑयल और फैट का रैंसिडनेस हो जाता है, रैंसिडेट मतलब उनका सड़ना, इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब जो हवा में ऑक्सीजन होता है वो उनके साथ रिएक्ट कर लेता है।
Many vegetable oils have one or more carbon-carbon double bond in fatty acid part of their structure. बहुत सारे vegetable oil में carbon-carbon double bond होता है, मतलब basically they are olefins या फिर unsaturated. These are called mono or poly unsaturated fat. देखिए मैंने अभी आपको बताया unsaturated क्यों, क्योंकि ये अभी भी सैचुरेटेड नहीं है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें अभी भी हाइड्रोजन से सैचुरेशन नहीं हुआ है, वो हाइड्रोजन से संतृप्त नहीं है, मतलब उनमें और हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है. द अनसैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड फॉर्म वोलाटाइल अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. जो अनसैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं ऑक्सीजन की वजह से, और वो बना देते हैं वोलाटाइल अल्डिहाइड. वोलाटाइल अल्डिहाइड मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. और क्या प्रोड्यूस होता है, जी हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अनप्लीजेंट रैंसिड टेस्ट के लिए, और इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी. मतलब जो रैंसिडनेस होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, उसे हम ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी कहते हैं. इट इज़ कॉज बाय फ्री रेडिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाय लाइट और कैटेलाइज बाय एंजाइम और मेटल आयन. ये होता क्यों है, जी हाँ, फ्री रेडिकल बनता है किसके प्रेजेंस में, जी हाँ, लाइट के प्रेजेंस में. लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है, और वो फ्री रेडिकल इस रिएक्शन को कराते जाता है, और इस फ्री रेडिकल रिएक्शन को कुछ एंजाइम और मेटल आयन क्या कर देते हैं, कैटेलाइज कर देते हैं. कैटेलाइज का मतलब इस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं. पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड यूजुअली बिकम रैंसिड वेरी क्विकली. जो पॉली अनसैचुरेटेड है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ढेर सारे हैं, वो और भी जल्दी रैंसिड हो जाते हैं, मतलब और भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं. और हाई टेम्परेचर अगर होगा तो ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है ये काफ़ी तेज़ हो जाता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर फ्री रेडिकल ज़्यादा बनाता है. हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ एयर ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, जो मैंने अभी आपको बताया. एक्सटेंसिव ऑक्सीडेशन कैन लीड टू सम पॉलीमराइजेशन विद कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन विस्कोसिटी एंड ब्राउनिंग. हाइट जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसमें कुछ पॉलीमराइजेशन का भी प्रोसेस हो जाता है, जिसके वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाता है, मतलब जो भी सब्सटेंस बढ़ता है वो काफ़ी ज़्यादा थिकी लिक्विड टाइप का हो जाता है. थिक लिक्विड जैसे अपना ऑयल, फिर आप कह सकते हैं जो शहद होता है जिसे हम लोग हनी कहते हैं, समझा, वैसा हो जाता है, और ब्राउनिंग भी हो जाता है. अब जो तीसरा है वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ट्रांस फैट. तो मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम इसे अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो.